पेस्टल कलर लिया है, पेस्टल शीट ली है, टूथब्रश, ईयरबड, सीजर, रफ पेपर। टूथब्रश की हेल्प से आप कलर्स स्प्रेड करेंगे। यहाँ मैंने ब्लूइश टोन्स लगाए हैं, कोबाल्ट ब्लू लिया है, पर्शियन ब्लू लिया है, स्काई ब्लू लिया है। टूथब्रश से बहुत इजीली आप पीछे कलर यूज़ कर सकते हैं। मिक्स करेंगे कलर टूथब्रश की हेल्प से। जिस तरह आप फ्लैट ब्रश का यूज़ करते हैं, बिल्कुल वही आप यहाँ पर टूथब्रश का यूज़ कर रहे हैं। कहीं कहीं कलर्स में आप ब्लैक कलर के टोन देंगे। यहाँ मैंने रफ पेपर लिया है और इससे पॉट को ड्रॉ कर दें। ये मैंने डबल साइड से इसलिए ड्रॉ करा था, डबल करके, ताकि पॉट सेम शेप का आ जाए, इक्वल एकदम। ब्राउन पेस्टल शीट को छिपाने, बाद में स्काई ब्लू कलर इसमें डालना है। यहाँ मैंने 6 नंबर ब्रश का यूज़ किया है। कहीं कहीं हमें स्काई ब्लू कलर लगा देंगे। हमें यहाँ स्काई ब्लू कलर का पॉट शो करना है। अभी हमने इसको सिर्फ रफ करा है, आगे हम इसको फाइनलाइज करेंगे। यहाँ मैंने वाइट कलर के फ्लावर्स बनाए हैं। कलर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने वाइट कलर का यूज़ किया, पिंक भी यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावर बहुत इजीली बन जाता है। कहीं कहीं हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। ग्लास को बाद में आगे चल के हम ट्रांसपेरेंसी दिखाएंगे। ग्रीन कलर को डार्क करने के लिए आप उसमें पर्शियन ब्लू मिला देंगे तो इसकी डार्क टोन बन जाएगी। लीव्स में कहीं कहीं टच दे देंगे हम डार्क ग्रीन कलर का। फ्लावर्स बनाने हैं हमें, फ्लावर्स कंप्लीट करने हैं। घर बैठे इजीली आप ये पेंटिंग बना सकते हैं, बहुत इजी है। फ्लावर बहुत इजी है। फ्लावर बनाएंगे हम, थोड़ा इसको ऐसा लगना चाहिए, हाँ बंच है फ्लावर्स का। यहाँ मैंने पोस्टर पर वाइट कलर का यूज़ किया है। आप चाहें तो एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं येलो कलर की हमने इसमें टोन डाली है, लेमन येलो की। इसमें कहीं कहीं हमने ऑरेंज कलर डाला है, टच करा है। वाइट चाहते तो आप वाइट भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने येलो कलर डाला है और कहीं कहीं ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया इसमें। बैकग्राउंड भी आप चाहें तो दूसरे कलर का बना सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा इसको स्प्रेड करा है। वाइट कलर से हाईलाइट करा है। कहीं कहीं वाइट कलर लगा के इसको मिक्स कर देंगे तो थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। यहाँ मैंने पर्शियन ब्लू कलर का यूज़ करा है, कोबाल्ट ब्लू का यूज़ करा है। वाइट कलर सबसे लास्ट में उठाएंगे आपको टचिंग के लिए। कहीं कहीं वाइट कलर से हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ मैंने ईयरबड का यूज़ करा है थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए। आप चाहें तो ब्रश से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने इजी तरीका बताया, इजी मेथड है इसका। पिंक कलर लिया है, ये पोस्टर कलर भी हो सकता है, एक्रेलिक भी हो सकता है, जो भी घर पे इजीली अवेलेबल हो। वाइट से हाईलाइट कर दिया मैंने इसको।
आप चाहें तो इसका यूज़ एज ए पेंटिंग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको ग्रीटिंग कार्ड पे भी यूज़ कर सकते हैं। कहीं कहीं वाइट से हाईलाइट कर दीजिए। डिटेलिंग कहीं कहीं वाइट कलर से टचिंग कर दीजिए।